बाबा ने हम सबको बताया है कि कलयुग के अंतिम समय में परिस्थितियां अचानक आएंगी, है ना, अचानक आती हैं। और बाबा ने हमेशा इस शब्द को अंडरलाइन किया है, अचानक। हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, हमने सोचा नहीं होगा, और अचानक बात सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बातों का साइज हम खुद डिसाइड करते हैं, और बात का साइज डिपेंड करता है आत्मा की शक्ति पर, जो उस बात को फेस करने वाली है। और फिर पिछले 2 सालों ने हमें ये प्रैक्टिकल में दिखाया कि अचानक बातें आती हैं। तो पहले तो बाबा के बच्चे कहते थे अचानक, फिर पिछले 2 सालों में दुनिया ने भी कहना शुरू किया अचानक कुछ भी हो जाता है। लेकिन अचानक का सामना करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति अर्थात आत्मारूपी बैटरी, पावरफुल। और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि सिर्फ हम उस बात का सामना नहीं करेंगे, हमारे आसपास सारे जो हैं जिन्होंने उस बात का सामना करना है उनको भी शक्ति हमने देनी है। तो बाबा कहते हैं स्टॉक उतना होना चाहिए। किसका स्टॉक? शक्तियों का स्टॉक। तो इतनी शक्ति कि परिस्थिति आने पर सिर्फ हम स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे स्थिर रहने से परिवार, बच्चे या जो भी ऑफिस में कोई हमारे साथ, जो भी उस सीन में है, उस सिचुएशन में है, हमारे पास उतनी शक्ति हो कि वो भी कैसे रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, पावरफुल रहें। तो ये जो शक्ति है ये उस दिन तो नहीं बनेगी, तो इस शक्ति को हमें क्या करना होता है? धीरे 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 रोज इकट्ठा करना होता है। सेंटर पर एक बहन आती है दिल्ली में, 60s में होंगे उसके, 65-70 के आसपास होंगे। तो उनको सडनली कैंसर डायग्नोज हुआ। वो स्ट्रॉन्ग थी, उसने अपना कीमो शुरू किया और बहुत स्टेबिलिटी से कीमो कराया, और जब उनका चल ही रहा था तो उनकी बेटी को कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर बेटी का इलाज चला, फिर बेटी का लिवर फेलियर हो गया, फिर बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, बेटी का एक बेटा है छोटा, फिर लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो यहाँ से बॉम्बे गई जहाँ उसकी बेटी रहती है, और उसने देखा कि उसकी बेटी सफ़र कर रही है उस शरीर के अंदर। तो उसके अपने हस्बैंड, फिर बेटी का हस्बैंड, बेटी का बेटा छोटा, सबको इकट्ठे किया और कहा ये तो बहुत सफ़र कर रही है इस शरीर में, हम सब ने इसको अपनी अटैचमेंट से रोक के रखा हुआ है, हमें इसको जाने देना चाहिए। अब एक मदर बोले अपने बच्चे के लिए, तो सब लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि हम ऐसी थॉट कभी नहीं क्रिएट कर सकते, हमें तो चाहिए कि वो यहाँ हो हमारे साथ। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, तो आप बाहर जाओ, मैं बैठती हूँ उसके साथ। और फिर वो अकेली बैठी, उसके साथ बातें की। वो बेटी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आत्मा तो हर बात सुन सकती है। हमें लगता है बातें यहाँ से और यहाँ से होती हैं, सिर्फ बातें यहाँ से और यहाँ से नहीं होती हैं, बातें यहाँ से होती हैं, है ना। तो उसने 15-20 मिनट बैठ के अपनी बेटी को कहा, मुझे पता है तेरे को बहुत चिंता है कि तेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, हम सब बैठे हैं, तुम सोचना नहीं। बिल्कुल अच्छे से उसने उसके साथ जो बात करनी थी बात की, और फिर योग किया उसका हाथ पकड़ के, एंड 20-25 मिनट्स में वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया।
तो फिर जब वो बहन वापस आई तो बोली, ये मैंने कैसे किया, मेरे पास ये ताकत कहाँ से आई कि मैं बैठकर उसको बोल रही हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारे को अभी इसमें नहीं रहना है। और उसके बाद वो बहुत एक बुज़ुर्ग ऐसे माता जी जैसे है ना, जिसको प्रॉपर मुरली भी नहीं समझ में आती है ठीक से, लेकिन बाकी ज्ञान में कोई नहीं परिवार में, इनफैक्ट वो सब लोग थोड़े अगेंस्ट थे जब वो सेंटर आती है। लेकिन फिर वो सब सेंटर आए और उन्होंने कहा, ये इतनी स्टेबल रहे, इसके स्टेबल रहने से हम थोड़े से, तो वो जो आपको लगे कि देखने में वो सबसे ज़्यादा शैटर हो जाएंगे, उसने ही उसको योग करके आत्मा को छुट्टी भी दी और उसके बाद उतनी स्टेबल भी रही कि घर के बाहरे सारे भाई स्टेबल हो गए। जब से वो बहन सेंटर पर आई, किसी को सेंटर पे पता भी नहीं है उसके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो आके कहती है, ये मेरे पास, मुझे तो मालूम नहीं था, कहती मुझे तो मुरली रोज़ याद भी नहीं रहती है, ओल्ड है ना, बस आती है सुन, लेकिन वो एक भी दिन मुरली नहीं मिस करती है, एक भी दिन उसने मुरली मिस नहीं की है। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही सेंटर पर चाली भाई ने आना था, तो इंग्लिश की क्लास थी, वो बहन को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, और जब वो अपने घर से निकल रही थी उसके दोनों घुटने लॉक हो गए, जस्ट घर से निकलते हुए क्लास के लिए, वो घुटने लॉक के साथ उसको गाड़ी में बिठाया, वहाँ लेकर आए, वहाँ से कुर्सी पर डाला, तो आई सेड, आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, आपके दोनों नीज लॉक हो गए हैं, मतलब बेंड भी नहीं हो सकते, वॉक भी नहीं कर सकते। तो कहती नहीं, पहले क्लास में बैठूंगी, बाद में डॉक्टर के पास जाऊँगे, जबकि उस दिन वो क्लास उसको समझ आने वाली नहीं थी। नीज को पूरा गाड़ी में से ऐसे खींचा, कुर्सी पर रखा, कुर्सी से नीचे एक फ्लोर लेके, लेकिन वो आई, वो था उसका नियम, वो था उसका नियम कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने मुरली क्लास मिस नहीं करनी, मुरली क्लास के पहले मुझे योग ज़रूर करना है, मुरली याद नहीं रहती, मुरली की कोई भी पॉइंट याद नहीं रहती, लेकिन मैंने आना ज़रूर है क्लास के अंदर। लेकिन वो रोज़ की इकट्ठी की गई शक्ति, रोज़ इकट्ठी की गई ना, जब रोज़ हम शक्ति इकट्ठे कर रहे होते हमें पता नहीं होता ये शक्ति कैसे काम करने वाली है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन जब फिर हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी सीन भी आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतनी पावर थी उसको फेस करने की, जो अगर हमारे पास वो पावर न होती तो उस सीन में हम शैटर हो जाते हैं। तो बाबा के ज्ञान और बाबा के कनेक्शन से वो शक्ति, और ऐसे लाखों लोगों के लाखों एक्सपीरियंसेस हैं कि सिर्फ रोज़ मुरली सुनी, रोज़ योग किया, और फिर जीवन में बहुत सारी बातें हैं, अभी कलयुग के एंड मतलब है ही अचानक, और बाबा ने कहा है कि कलयुग का अंतिम समय होगा ही अचानक बातें, लेकिन उस बात में खुद को स्थिर रखना और दूसरों को शक्तिशाली बनाना, ये सेवा बाबा ने दी है बच्चों को। तो हम रेडी है ना वो सेवा करने के लिए, हम रेडी है वो सेवा करने के लिए। देखो जब कोविड था तो हम सब तो अपने घरों में बंद होकर बैठे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कोविड के बीच में गए, अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हुए वो औरों को खाना खिलाने के लिए गए, वो होता है आर्मी जो रेडी होती है, जो रेडी होती है कि उन्होंने दूसरों की सेवा करनी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आने वाले समय में इतना दुख और अशांति होंगी कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि आप औरों की दुख और अशांति भी क्या कर सकें, करनी है ये वाली सेवा कि औरों की दुख और अशांति भी क्या करनी है, क्या करनी है। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि लाखों लोग सामने खड़े होंगे, कहेंगे एक मिनट की शांति चाहिए, और आपको उनको कुछ सुनाना नहीं, कुछ नहीं, वो माहौल ही नहीं होगा, वो टाइम ही नहीं होगा, लेकिन आपके पास इतना शक्ति और शांति का स्टॉक होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर उनको शांति और शक्ति का एक्सपीरियंस हो, ऐसा भी समय आएगा।
इसलिए हमने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना। अब थर्ड स्टेज क्या करनी है, भगवान को पूरी तरह से अपना बनाना, क्योंकि भगवान को अपना बनाया अर्थात उसकी शक्तियों को अपना बनाया, उसकी शक्तियों को अपना बनाया। और जैसे ही आत्मा के अंदर शक्ति भरती है, जो जो चीज़ हमें जीवन में तंग कर रही थी वो आत्मा की शक्ति की कमी के कारण ही होती है। चाहे मन की उदासी है, निराशा है, चाहे डर है, आजकल डर बहुत लगता है, चिंता बहुत होती है, एंजाइटी होती है, चाहे शरीर में कोई रोग है, चाहे रिश्तों में टकराव है, सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, यहाँ से। क्योंकि आत्मा जो संकल्प करती है, जो थॉट्स क्रिएट करती है, उसका असर फीलिंग्स पर पड़ता है। तो हम कहते हैं मुझे आज अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे आज लो फील हो रहा है, मुझे उदास फील हो रहा है, क्यों? बेस्ड ऑन हमने किस तरह के संकल्प किए हैं। फिर हर एक संकल्प शरीर पे पहुंचता है, हम हर थॉट जो क्रिएट करते हैं उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो क्या होता है, जब जीवन में कोई बात आती है, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, कुछ भी बात हो, हम कहते हैं टेंशन होना नेचुरल है, उदास होना नेचुरल है। तो एक बात आई है जो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर वो वाली इमोशंस क्रिएट करने से हम अपने शरीर पर दूसरा इफ़ेक्ट डाल देते हैं, और फिर तीसरा इफ़ेक्ट, जब मुझ आत्मा की शक्ति कम होगी तो रिश्तों में कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, रिश्तों में कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, फिर जो हमारी वाइब्रेशन होगी वो रिश्तों में जाएगी। हम सब के चारों तरफ एक एनर्जी है, अगर हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है उसमें तनाव है, दर्द है, दुख है, तो वो दर्द और दुख हमसे दूसरों को मिलेगा। हम में से कईयों ने परिवार के किसी सदस्य को खोया है इस 2 साल के अंदर। जब कोई आगे जाता है जर्नी पर, तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना, लगता है ना ऐसा, हम कैसे जिएंगे उनके बिना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना, बहुत रियल होता है वो फीलिंग, और बहुत दर्द होता है, हम रोते बहुत हैं, हमें दुख बहुत होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 सेकंड रुक के चेक करना है वो सारा और दर्द और दुख किस तक पहुंच रहा है, किस तक पहुंच रहा है। सबसे पहले वो हम पर असर डालता है, दूसरा वो हमारे शरीर पर असर डालता है, तीसरा अभी जो हमारे अंग संग हैं उन पर वो असर डालता है, और चौथा वो उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है गर्भ के अंदर। तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में उनका वो शरीर बन रहा है, और आत्मिक स्थिति जो अब होगी उस अनुसार वो शरीर नया बनेगा, उस अनुसार संस्कार बनेंगे, और उस अनुसार उस आत्मा का नए शरीर में भाग्य बनेगा। तो जब हमें ये सब याद हो कि अब हम यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है, तो हम यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे, कौन सी एनर्जी भेजेंगे? याद हमेशा आएगी, लेकिन एक याद होती है दर्द में याद, और एक याद होती है प्यार में याद। दर्द की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगी, और प्यार और दुआएं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा, ये तब होता है जब हम अपने आप को रोज़ एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम रोज़ परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर
उसकी शक्ति को अपने अंदर भरते हैं तो हमारे से वो शक्ति सबसे पहली चीज़ उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है और वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर हम अगर रोज़ बाबा को याद करके उनको वो याद की शक्ति भेजें, राइट, अगर हम उनको वो याद की शक्ति भेजें तो वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस रिश्ते के अंदर। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए ये रेडी होना है करने के लिए। हमेशा याद रखना है, हमने एक जना खोया है लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है, पूरा परिवार, सब कुछ जो कमाया, शरीर, सब कुछ खोती है आत्मा एक सेकंड के अंदर। तो उनका दर्द हमारे दर्द से, उनका दर्द हमारे दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी है ना बाकी सब, लेकिन वो एक सेकंड में सबको खोते हैं, तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रोज़ मेडिटेशन में भी परमात्मा की शक्तियाँ बाबा को याद करके वो शक्ति उन तक भेजें, ताकि उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन सी एनर्जी पे स्टार्ट होना चाहिए। और इसीलिए योग में जो प्रयोग हम करते हैं कि योग मतलब क्या, और ये सबको करके देखना है, किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई बात आपको करानी है, कुछ करना है, आप योग में उस आत्मा को वो मैसेज भेजें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैसेज आपको उनको देना है, आप परमधाम में बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहाँ इमर्ज करें और बाबा को याद करके बाबा की शक्ति उस आत्मा को दें और उनको वो मैसेज दें, और फिर आप प्रैक्टिकल में देखें कि वो मैसेज उस आत्मा ने कैच कर लिया होता है। जो बात यहाँ से बोलने से लोगों को नहीं समझ में आती हमारी, लेकिन उनको वहाँ परमधाम में बाबा के पास बिठा कर वो मैसेज भेज दें, उनको कैच हो जाएगी। और अगर यहाँ लोग वो बात कैच कर सकते हैं तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है वो तो सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं, सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं। तो इसलिए निराकारी स्थिति में बैठकर बाबा की शक्ति को अपने अंदर भरना, फिर उस शक्ति को अपने शरीर को देना अगर शरीर में कुछ, फिर वो शक्ति को उस आत्माओं तक देना, और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना, और उस शक्ति को उनको देना जिन्होंने नया शरीर लिया है। ये सब कुछ योग में होता है, सब योग में होता है। और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अनुभव ये कहता है, लाखों लोगों का अनुभव, कि योग तुरंत हमारा लगता नहीं है। कभी कभी शुरू में हम कहते कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा, तो योग भी लगे उसके लिए सबसे पहले मुरली की ज़रूरत होती है। जैसे कोई हमें कहे कि एक्सरसाइज करो, लेकिन खाना तो खाया हुआ होना चाहिए ना, कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज कैसे करेगा? कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज करने लगे तो क्या हो जाएगा, और ही बैठ जाएगा। तो बाबा इसलिए पहले कहते पहले मुरली आओ। तो मुरली आत्मा के लिए क्या होती है? खुराक, खुराक। मुरली क्लास में आकर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है, वाइब्रेशन, एनर्जी, सब लोग इकट्ठे योग कर रहे हैं,
बाहर हवा में बहुत दर्द है अब। हमें पता चल रहा हो या नहीं पता चल रहा हो, इस 2 साल में हवा बदली है। हवा बदली है मतलब हवा में जो वाइब्रेशंस है उसमें बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, तो उसका ही हम पर प्रभाव पड़ जाता है और कभी कभी हमारी स्थिति ऐसे ही डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम रोज़ सेंटर पर आते हैं, 1 घंटा भी सेंटर पर आते हैं, तो उस 1 घंटे में हमारे ऊपर यहाँ की हवा का असर पड़ता है। हर घंटे बाद 1 मिनट ऐसे रुकना है। सिर्फ 1 दिन कोई करके देखे कि हर घंटे बाद 1 मिनट रुके और 1 मिनट रुक कर 3-4 संकल्प करने हैं। सिर्फ शुरू शुरू में योग करना नहीं आता हो तो हम सिर्फ वो 3-4 संकल्प लिख लेते हैं और वो संकल्प करने हैं और उसको देखना है। तो सबसे पहला, यहाँ पर मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, लेकिन उसको देखना है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखना है। फिर सेकंड संकल्प, मैं आत्मा यहाँ से परम धाम में बाबा के नज़दीक बैठी हूँ, फिर उस दृश्य को देखना है कि निराकार परमात्मा के नज़दीक मैं आत्मा। बिल्कुल, सेकंड दृश्य हो गया। थर्ड दृश्य, बाबा की सर्वशक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। और फोर्थ दृश्य, बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा से सारे विश्व को जा रहे हैं। इजी, अभी करें। मैं आत्मा शक्तिशाली, दृश्य देखना है। फिर अब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप, थर्ड, बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मुझ आत्मा से ये सारी शक्तियाँ सारे विश्व तक पहुँच रही हैं। और अगर स्पेसिफिक किसी आत्मा को देना चाहते हैं तो उसको इस समय बाबा के सामने बिठाकर बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर और मुझसे उस आत्मा को मिल रही हैं। वापस ब्रिकुटी के बीच, मैं आत्मा शक्तिशाली। आज शाम 6 बजे से कल सारा दिन तक एक बार ये करके देखे, हर घंटा, हर घंटा। एक फ़ोन पर ऐप भी आता है, ब्रह्मा कुमारीज ऐप है, जिसमें हर घंटे के बाद एक म्यूज़िक बजेगा 1 मिनट के लिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा टाइम हो गया है। और हर घंटे ये करें, मैं आत्मा शक्तिशाली, फिर बाबा के सामने बैठे शक्तियाँ भर गई, फिर शक्तियाँ उस आत्मा को जिन्हें देनी है, सारे विश्व को वापस। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, हर घंटे के बाद उठ के थोड़ा सा वॉक करके आओ, बैठे नहीं रहो। फिर जब हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, हर घंटे एक बार थोड़ा सा आँखों को क्या करो, ऐसे ऐसे करो, घूरते नहीं रहो स्क्रीन को। अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा वॉक करके आए, वो एक तरफ, लेकिन हर घंटे 2 मिनट वॉक करें। इसी तरह पहले सुबह योग करें,
लेकिन हर घंटे ये 1 मिनट वाला करें। तो हर घंटे करने से वो शक्ति क्या होती जाती है, फिर से कनेक्शन, फिर से घर जाना, फिर से वो शक्ति भरना। इस समय इस शक्ति की ही सबको ज़रूरत है, तो इसको अपनी जिम्मेवारी समझें, अपनी जिम्मेवारी समझें। अब खुद को ये नहीं कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब कहना है मुझे तो ये करना ही है, अपने लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और बाकी सारे विश्व के लिए, लेकिन मुझे तो ये करना ही करना है। इसको 3 महीने का एक्सपेरिमेंट की तरह करना है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। कौन कौन रोज़ मुरली आते हैं ऑलरेडी, रोज़, ठीक है? तो जो रोज़ मुरली आ रहे हैं, रोज़ सवेरे की क्लास में आना, सवेरे आना। सिर्फ अगर बहुत 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 इमरजेंसी हो तो दूसरे टाइम पे आना, नहीं तो बहुत सालों बाद अगर सवेरे आएंगे फिर लगेगा इतने साल मैंने वेस्ट कर दिया। इसलिए सुबह आना, क्योंकि सुबह जो यहाँ स्थिति बनती है, दिन में और सुबह में बहुत फ़र्क होता है। तो रोज़ सुबह मुरली 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखें, 3 मंथ सिर्फ। समझ आए, नहीं समझ आए, याद रहे, नहीं याद रहे, बस आके बैठ जाना है, जस्ट बैठ जाना है और उन शब्दों को अपने अंदर जाने देना है। कुछ नहीं हो रहा, याद कुछ नहीं रह रहा, बैठ कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं है, बस आना है, बैठना है और उसको जाने देना है अंदर। और फिर यहीं बैठकर योग करना है, क्योंकि कभी कभी शुरू में घर में योग नहीं लगता है, लेकिन मुरली जैसे जैसे सुनते जाते हैं तभी बाबा के साथ रिश्ता बनता जाता है। योग मतलब क्या, बाबा को याद करना, लेकिन याद उसको करेंगे जिसके साथ रिश्ता बन जाता है। तो मुरली दो चीज़ें करती है, एक बाबा से रिश्ता बनता है और दूसरा आत्मा की खुराक बनती है। जो हम रोज़ सुनते पढ़ते देखते हैं वही हमारी सोच बनती है। तो कलयुग, कलयुग इसलिए बन रहा है क्योंकि रोज़ सारा दिन ये टीवी फ़ोन से क्या क्या हम सुन पढ़ देख रहे हैं। और हम सब बच्चे क्या करते हैं कि हर रोज़ सुबह दिन की शुरुआत मुरली से करते हैं। सिर्फ उतना रोज़ मुरली सुन लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मेरी सोच बदल गई है, कैसा मेरा लाइफ को फेस करने का तरीका बदल गया है, कैसे जो बात पहले डिस्टर्ब करती थी वो ठीक हो गई है। कुछ दिन पहले एक भाई मिले, अभी तो उन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, अब करने वाले हैं बॉम्बे में, तो उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ, वो टीवी एक्टर हैं, तो एक्सीडेंट हुआ तो उनकी पीठ इंजर्ड हो गई, स्पाइन, तो सभी ने कहा आप उठ नहीं पाएंगे कभी भी, लेटे रहना है, और अगर उठ भी गए कभी तो 15-20 मिनट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं खड़े हो सकते। तो बोले इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने सेम बोला। फिर कहते बैठे बैठे मेरे पास तो कुछ करने को नहीं था, बेड में ही बैठना था और कुछ तो करना नहीं था। तो ऐसे ही वो वीडियोस देख रहे थे तो उसमें से उन्होंने ये संकल्प निकाले वीडियो से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सब ऐसे 3-4 संकल्प निकाले। उस दिन भी फ़ोन पे दिखाए वही संकल्प उन्होंने अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा अभी मेरे को पता था कि मुझे कुछ करना नहीं है, बस मैं वो बोलता रहा, नहाते वक्त भी मैं वो बोल रहा था, खाने वक्त भी मैं वो बोल, कहते लेकिन मेरे को पता था कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, और तो मैं बोलता रहा मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, परफेक्ट है, ये है। थोड़े टाइम बाद, लगता कुछ एक महीनों के बाद, किसी ने उनको अंबाला में किसी एक डॉक्टर, अंबाला मतलब देश का कोई एक छोटू सा कोना है, उसको शहर भी नहीं बोलेंगे प्रॉपर, और वहाँ कोई एक प्रैक्टिशनर था, उससे मिलने गए और आधे घंटे में खड़े हो गए, आधे घंटा उसने हीलिंग की और वो खड़े हो गए, मतलब वो भी साइंटिफिक प्रैक्टिस है एक। लेकिन हर जगह ढूंढा था नहीं ठीक हुए थे, लेकिन जब रोज़ संकल्प किया
और बार बार उस संकल्प को दोहराया और परमात्मा की याद में वो संकल्प किया, तो अपने आप वातावरण में बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आप जाकर सल्यूशन के सामने खड़े हो जाएंगे। और आज वो बिल्कुल परफेक्ट अपना नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये होता है संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प से हमारा भाग्य बनता है, संकल्प से सिद्धि होती है, लेकिन कलयुग में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गलत संकल्प कर लेते हैं, कितने कमज़ोर संकल्प कर लेते हैं। और रोज़ की मुरली क्या करती है, हमारे संकल्प चेंज कर देती है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सही सोचना सिखा देती है, और जैसे ही संकल्प चेंज कर लिए तो सिद्धि बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। संकल्प चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुझे ऐसे नहीं सोचना, मुझे ऐसे सोचना, 5 मिनट बाद वो भूल जाएगा फिर से। लेकिन खुराक देनी है अपने आप को अच्छी वाली, तो 3 महीनों के लिए ये करके देखो आज से। बहुत मेहनत की है हम सब ने खुशी ढूंढने के लिए, बहुत मेहनत की है सेहत के लिए, बहुत मेहनत की है प्यारे रिश्तों के लिए। अब इतनी सारी मेहनत कर ली फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो चलो 1 घंटा अपने आप को देख के देख लेते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जब लाखों लोग बोल रहे हैं बदला तो फिर कुछ होगा ही। मैंने तो ऐसे ही किया था एक्सपेरिमेंट, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर एक बहन ने मुझे कहा जब इतने लोग बोल रहे हैं कि होता है तो ट्राई तो करना चाहिए ना कम से कम। मैं कहा वो भी बात ठीक है, ट्राई तो करना चाहिए, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं ना जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़ायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो लॉस कुछ नहीं है। तो ज्ञान और योग वो चीज़ है, फ़ायदा हुआ तो हुआ, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता, तो एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो 3 महीने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को पकड़ें कि यहाँ आकर योग करें शुरू में सुबह, फिर मुरली यहाँ बैठकर सुने, घर जाएं और सब छोड़ दें, बस सुबह का वो करें सिर्फ। और आपको वो 3 महीने में फील होगा कैसे आपकी सोच बदल गई है, आपका बात करने का तरीका बदल रहा है, आपका व्यवहार बदल रहा है, ऑटोमेटिकली आपके शरीर के दर्द दूर्द ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ यहाँ से जा रहा है। यहाँ जब इतना चिंता और डर होता है तो शरीर में दर्द तो होने ही होने हैं, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। तो आज करें 3 महीने का एक्सपेरिमेंट, करें 3 महीने का एक्सपेरिमेंट, 3 मंथ्स एक्सपेरिमेंट है कि 3 मंथ्स हम एक भी दिन मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे, सिर्फ आके बैठ जाएंगे। बाकी बाबा को बोलेंगे बाकी काम तेरा, मेरा काम सिर्फ आके बैठने का था ना, तो मैंने सिर्फ आके बैठना है, बाकी काम आपका। और फिर उसको देखना है क्या रिजल्ट मिलती है। ऐसी रिजल्ट मिलेगी कि आपसे मिलकर दूसरों की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि रोज़ आपने अपनी बैटरी को क्या किया, चार्ज किया। रिश्तों को ठीक करना नहीं पड़ता है, रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन दूसरे के प्रति चेंज हो जाती है। आज तक हमें लगा कि रिश्तों में दोनों को ठीक होने की ज़रूरत है, दोनों को नहीं ठीक होना पड़ता, एक को सिर्फ अपने संकल्पों को बदलना होता है। और बाबा हमें बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं कि कैसे हमें बैठकर दूसरी आत्मा को सकाश देनी है, जिससे हमारे जो रिश्तों में गांठें भी पड़ी होती हैं वो सारी गांठें भी क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हमारी तरफ से उनको हम अच्छी एनर्जी भेज रहे थे। तो जैसे दुनिया हीलिंग करती है, प्राणिक हीलिंग करती है, रेकी करती है, तो दूर बैठे किसी के शरीर की रोग को ठीक कर लेती है, तो बाबा विधि सिखाते हैं कि दूर बैठे भी किसी आत्मा के दर्द को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये सब हम तब कर पाते हैं जब हम रोज़ मुरली सुनते सुनते उसका प्रयोग करते जाते हैं। तो आज ये पक्का करें, आज की डेट नोट करें और 3 मंथ्स फुल अटेंडेंस रखें अपने, और फिर 3 मंथ्स के बाद अपना रिज़ल्ट चेक करें कि मुझे आत्मा में क्या चेंज आया है। और वो चेंज तो आना ही आना है, आना है नहीं आना, आना है, यस। चाहे कैसी भी बात आई हो, हम अपने आप को दर्द में नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को दर्द में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्द में रहने से बहुत लोग और भी दर्द में चले जाते हैं। और जब बहुत लोग दर्द में इकट्ठे जाने लगते हैं फिर हमारा दर्द और
हमें नीचे लेकर जाएगा। तो चाहे कोई भी बात हो, हमें अपने आप को उस दर्द से बाहर निकालना है, उस डर से बाहर निकालना है, उस चिंता से बाहर निकालना है, और वो शक्ति ही बाबा हमें देता है। तो एक मिनट साइलेंस में बैठें, अपनी प्रतिज्ञा करें आज कि मैंने 3 मंथ्स का ये एक्सपेरिमेंट करना है, कि 3 महीने मैं शक्तिशाली आत्मा बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए बाबा से शक्ति, शिक्षाएं और श्रीमत पढ़ने के लिए मैं आत्मा हर रोज सुबह सुबह बाबा की क्लास में बाबा की सर्व शक्तियां अपने अंदर भरते हुए हैं, मैं बाबा का फरिश्ता सबको सुख और शक्ति देने वाला फरिश्ता, सबको शक्तिशाली बनाने वाला फरिश्ता, मैं बाबा का फरिश्ता लेकर आए उन सभी आत्माओं को अपने सामने, और बाबा की सर्व शक्तियां खुद में भरते हुए जैसे किरणें सूरज की कैसे हम पर पड़ती हैं, ऐसे बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझसे उन आत्माओं पर। इसी साइलेंस में बैठें कुछ क्षणों के लिए और इसको करते रहें कि बाबा की शक्तियां हर आत्मा जिसको आप शक्ति देना चाहते हैं और फिर विश्व की हर आत्मा तक पहुंचा दें वो शक्ति। जितना हम सबको देते जाएंगे उतना हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी।